भारतीय so, एयरटेल का ऑलरेडी एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो हमने हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया हुआ है वो आपको वो मतलब लिंक मिल जाएगी सो so, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो और एक अनाउंसमेंट भी है कैप्टन कूल cool ने अपना फिफ्थ टाइटल फिर से एक बार जीत लिया है एंड दैट्स वाई टू एंजॉय दिस मोमेंट ऑफ कैप्टन कूल वी हैव लॉन्च प्रोमो कोड कैप्टन कूल गेट हाइएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ सिक्स परसेंट नहीं एक साल के लिए नहीं तीन साल के सब्सक्रिप्शन अगर लोगे तो उस पर तो भी ज्यादा वो डिस्काउंट हो सकता है ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट तक और अगर कॉम्बो के लिए जाते हो, तो उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है आप लोगों को सो तो आशा करूंगा कि आप जरूर इन्वेस्ट इंदिरा डॉट इन को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोस को या फिर अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी इस हाइएस्ट एवर डिस्काउंट के साथ सब्सक्राइब करोगे तो आज हम भारतीय एयरटेल के वैल्युएशन के बारे में बात करने वाले हैं टेलीकॉम स्टॉक क्या यहाँ इस इंडस्ट्री में डिओपॉली बनेगी क्या गवर्नमेंट डियो बनने देगा या फिर अभी जैसे रिसेंटली हमने देखा है कि बी में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और अब फाइव के जो लॉन्चेस है वो भार बी uh, एस भी करने वाला है तो शायद वोडाफोन आइडिया कंपिटिटर ना बन पाए या फिर डिओ ना बनने दी जाए uh, एक गवर्नमेंट प्लेयर शायद इसमें आ सकता है हु नोज आगे जाके शायद uh, शायद दिस कुड बी अ शायद

प्राइस टर्निंग रेशो 64 है आई थिंक मुझे लगता है अभी भी एक्चुअल uh, प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस कंपनी की वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होती हुई हमें दिख रही है एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन uh, जिससे ये कंपनी जा चुकी है एंड नाउ इट लुक्स लाइक कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल uh, और रीजनेबल और एक ग्रोइंग uh, स्टेज में रहेगी ऐसा लग रहा है एंड दैट्स वाई इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इस पर्टिकुलर सेक्टर को जिसमें यही वो मेजर प्लेयर है जो लिस्टेड है जिसको अच्छी तरीके से री रेट भी किया गया है करंट ईवी टू एबिटा अगर हम देखते हैं इस कंपनी का सो दैट इज अराउंड 8.5 8.6 टाइम्स है अब ईवी टू एबिटा क्यों देखना चाहिए एंटरप्राइज वैल्यू क्यों देखनी चाहिए इस कंपनी की बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है और जो भी बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है उसके लिए ईवी टू एबिटा ये भी एक वैल्यूएशन का पैरामीटर काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक साल तीन साल पाँच साल या दस साल के मीडियम ईवी टू एबिटा के नंबर्स अगर हम देखते हैं सो ऑल दो नंबर्स आर बिटवीन एट टू नाइन पॉइंट टू नाइन पॉइंट थ्री सो इन अ वे उस हिसाब से आई थिंक काफ़ी फेयरली वैल्यूड उस पैरामीटर पे ये स्टॉक हमें नज़र आता है अगर करेक्शन uh, की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो क्या पहली बार एयरटेल का ये स्टॉक अभी जो तेरह चौदह परसेंट डिक्रीज हुआ है फ्रॉम इट्स फिफ्टी टू वीक हाई लेवल ये पहली बार हो रहा है क्या नहीं आई थिंक टाइम करेक्शन हो या प्राइस करेक्शन हो एक अच्छा खासा लंबा लंबे समय के लिए इस स्टॉक ने देखा हुआ है सो आई थिंक वही चीज़ थोड़ी सी इन अब ये जो डिफरेंशियल्स uh, होंगे ये जो फॉल्स होंगे मुझे लगता है ये मिनिमल साइड में होगा ये वॉलेटिलिटी दैट्स वॉट दी ट्रेंड इज सजेस्टिंग अबाउट दिस सेक्टर ट्रेंड मतलब टेक्निकल uh, चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ओवरऑल एज ए इंडस्ट्री हाउ दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू परफॉर्म थोड़ी सी प्रडिक्टबिलिटी आ चुकी है एंड दैट्स वाई द करेक्शन पार्ट वुड बी ऑन अ लिटल लोअर साइड वॉलेटिलिटी शुड बी ऑन अ लोअर साइड ऐसा अभी तो इस बिजनेस में लग रहा है अब इस बिजनेस का जो है वो एसओ टी पी मॉडल हम देखेंगे एसओ टी पी यानी कि सम ऑफ टोटल पार्ट्स तो सारे जो अलग अलग इसके बिजनेसेस है उसको अलग अलग तरीके से वैल्यूएट करेंगे और उसका एक फाइनल वैल्यूएशन क्या होगा उसके हिसाब से ये स्टॉक कितने अपसाइड यहाँ से आने वाले समय में दिखा सकता है जो हमारे रिसर्च टीम में प्रॉपर रिसर्च किया है वो मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं सो इंडिया मोबाइल बिजनेस की बात करते हैं थ्री का जो एबिटा का नंबर है इंडिया बिजनेस का आ, भारती का भारतीय एयरटेल दैट नंबर इज करोड़ अब यही इसी पे हमें प्रेडिक्टेबिलिटी निकालनी है वी आर गोइंग टू एनालाइज दी नेक्स्ट फाइव ईयरस उस फाइव ईयर्स के हिसाब से यहां पे वैल्यूएशन अपसाइड क्या दिखती है उसको हम थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करेंगे और जैसे हम हमेशा देते अलग अलग सीनारियोज में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं कंजर्वेटिव सीनारियो मॉडरेट सिनारियो एग्रेसिव सिनारियो जो एक एनालिसिस आप लोगों को अपने हिसाब से आपको आपको क्या लगता है उस हिसाब से वैल्यूएशन सही हो सकता है सो वी आर नॉट गिविंग एनी टारगेट ये है टारगेट वो है नो एंड वी आर ट्राइंग टू पुट सम फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू बाकी आपको उससे डिसाइड करना है सो so, एबिटा की जो ग्रोथ है फॉर नेक्स्ट फाइव ईयर जो कंजर्वेटिव वे से हमने कंसिडर किए दैट इज अराउंड ट्वेल्व नाइन परसेंट जो मॉडरेट वे से हमने ग्रोथ कंसिडर की है वो है ट्वेल्व परसेंट एंड जो वे से हमने ग्रोथ एग्रेसिवेडर की है की है वो है वो तो उस हिसाब से कंजर्वेटिव uh, वे से ये सेक्सपेक्टेड एबिट आफ्टर फाइव ईयर थाउजेंड करोड़ रुपीज मॉडरेट वे सेवेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज एंड एग्रेसिव वे से ये एबिटा हो सकता है एटी थाउजेंड करोड़ रुपीज अब यहां Uh, जिस तरीके से कंपनी ने एक प्रोजेक्शन दिया है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ग्रो करने का वैसे कंपनी ने तो बोला है नेक्स्ट टू टू थ्री इयर्स में दो एक सौ नब्बे का जो एआरपीयू uh, है दैट कैन गो अप टू थ्री हंड्रेड रुपीज सो अब ये काफी अग्रेसिव है वैसे देखा जाए सो लेट्स सी इसीलिए हमने इसको फाइव ईयर्स में डिवाइड कर दिया है कंजर्वेटिव मॉडरेट वे में या फिर एग्रेसिव वे में एंड दैट्स वाई वी हैव कंसिडर्ड नाइन परसेंट ट्वेल्व परसेंट एंड फिफ्टीन परसेंट नंबर इन डिफरेंट सिनारियोज अब अगर कंजर्वेटिव वे से रह रहता है सो तो जो एवरेज ईवी टू एबिटा मीडियम ईवी टू एबिटा रहा है इस कंपनी का दैट इज अराउंड एट टू नाइन के बीच में तो हमने कंजर्वेटिव वे में नाइन का नंबर कंसिडर किया है मॉडरेट वे में टेन का नंबर कंसिडर किया है एंड अग्रेसिव वे में ट्वेल्व का ईवी टू एबिटा का नंबर यहां पे कंसिडर किया है सो देन एक्सपेक्टेड एंटरप्राइज वैल्यू आफ्टर फाइव ईयर्स अगर हम देखते हैं तो कंजर्वेटिव वे से यह नंबर आता है फाइव पॉइंट फाइव फोर लाख करोड़ रुपीज और मॉडरेट वे से ये एबिटा का नंबर ईवी का एंटरप्राइज वैल्यू का नंबर आता है 7.06 लाख करोड़ और वे से एंटरप्राइज वैल्यू आती है 9.67 लाख करोड़ रुपीज अब ये इंडिया मोबाइल बिजनेस की बात हुई उसके बाद उनके पास और एक बड़ा मोबाइल का बिजनेस है वो है अफ्रीका मोबाइल बिजनेस तो अफ्रीका मोबाइल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो एफ आई का एबिटा है उज सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट करोड़ रुपीज बट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस जो है अफ्रीका मार्केट में आर ऑन अ लिटिल हाइयर साइड सो यहाँ एफ आई ट्वेंटी थ्री का एबिटा uh, के ऊपर पाँच साल के अगर ग्रोथ हम कंसिडर करते हैं कंजर्वेटिव वे से तो वो दस परसेंट हमने कंसिडर की है फोर्टीन परसेंट हमने कंसिडर की है फॉर मॉडरेट सिनारियो थी इंडियन मार्केट में थी, इंडियन टेलिकौन, टेलिकौन मार्केट में थी उतनी ज्यादा नहीं थी अगर आप पास रिकॉर्ड्स भी देखते हो तो एक कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी वहाँ पे नजर आती है अर्निंग्स में एंड दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग टेन परसेंट फोर्टीन परसेंट एंड एटीन परसेंट नंबर सो एक्सपेक्टेड एबिटा आफ्टर फाइव ईयर की अगर हम बात करते ट नंबर वुड भी कंजर्वेटिव वे से थर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज मॉडरेट वे से थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ रुपीज या फिर ऑलमोस्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज एंड अग्रेसिवे से इट कुड बी अराउंडी सेवन थाउजेंड करोड़ रुपीज बट इवीटो एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो नंबर मिले हैं उस मार्केट में सो दे आर क्वाइट मॉडरेट है सो फोर पॉइंट फाइव का हमनेबिटा का नंबर कंसिडर किया है फॉर कंजर्वेटिव uh, फाइव का हमने कंसिडर किया है फॉर मॉडरेट एंड सिक्स का हमने कंसिडर किया है फॉर एग्रेसिव वे से और इस पे एक्सपेक्टेड ईवी आफ्टर फाइव इयर्स अगर हम देखते हैं सो अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीज हो सकता है कंजर्वेटिव वे से 1.99 लाख करोड़ रुपीज हो सकता है मॉडरेट वे से एंड एग्रेसिव वे से ये हो सकता है वो टू लाख करोड़ रुपीज बट भारतीय एयरटेल का जो अफ्रीका बिजनेस में स्टेक है दैट इज एट सी फिफ्टी सिक्स एंड दैट्स वाई एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ देर स्टेक अगर हम बात करते हैंट वे से एंड वन पॉइंट फाइव नाइन लाख करोड़ रुपीज एग्रेसिव वे से अब साउथ एशिया बिजनेस की बात करते हैं यहां पर कुछ ज्यादा हलचल नहीं है द सेल्स नंबर की अगर हम बात करते हैं और यहां पर मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो हम लगाएंगे सो so हार्डली 500 से 700 करोड़ रुपए के बीच में ये कंजर्वेटिव टू एग्रेसिव के वैल्यशन रहेंगे विच विल नॉट मेक दैट मीच ऑफ अ डिफरेंस उनका एयरटेल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां आ, एफ आई थ्री एबिटा का जो नंबर है So, वो है सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एट्टी टू करोड़ रुपीज़ तो ये जो बिजनेस है इसमें दस परसेंट का एबिटा ग्रोथ हम कंसिडर कर रहे हैं कंजर्वेटिव वे से थर्टीन परसेंट मॉडरेट वे से एंड फिफ्टीन परसेंट एग्रेसिव वे से तो उस हिसाब से ये जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं सो अराउंड एक्सपेक्टेड एबिटा कंजर्वेटिव वे से इज अराउंड इलेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ 13,600 करोड़ रुपीस मॉडरेट वे से हो सकता है एंड एट फोर्टीन करोड़ रुपीस अग्रेसिव वे से ये एबिटा uh, का नंबर हो सकता है अगेन एबिटो एबिटा के नंबर अप्लाई करेंगे 8 9 एन 10 के तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड एंटरप्राइज वैल्यू आफ्टर फाइव ईयर्स वुड भी नाइनटी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज़ कंजर्वेटिव वे से मॉडरेट वे वन पॉइंट टू टू लाख करोड़ रुपीज़ एंड एग्रेसिव वे वन पॉइंट फोर एट लाख करोड़ रुपीज़ अब होम सर्विसेस एंड डिजिटल सर्विसेज का भी एनालिसिस हमने ऐसे ही किया है उसमें भी जो होम सर्विसेस है वहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे लग रहे सो दैट्स वाई ट्वेल्व फोर्टीन एंड एटीन परसेंट के वो नंबर हमने कंसिडर किए हैं कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड एग्रेसिव वे रिस्पेक्टिवली बट डिजिटल टीवी सर्विसेज के जो नंबर है दे आर नॉट दैट सो वहां पे जो ग्रोथ के नंबर हमने कंसिडर किए हैं वो फाइव परसेंट सेवन परसेंट एंड एट परसेंट किए हैं सो एक्सपेक्टेड ईवी के जो नंबर है दो सर्विसेज इज बिटवीन एटीन थाउजेंड करोड़ टू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज डिजिटल टीवी सर्विसेज के लिए ये नंबर है एट थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ रुपीज टू टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज अब Uh, उनका जो लास्ट एक सब्सिडरी है जिसके बारे में बात करेंगे जिसमें अराउंड 47% 47.95% का स्टेक है इस कंपनी का वो है इंडस टावर्स तो इसका जो पैट आया है f123 का दैट नंबर इज 2040 करोड़ रुपए बट एक नॉर्मलाइज्ड पैट भी इस कंपनी का आ चुका है एक बार वो है अराउंड 6 6300 करोड़ रुपए बट बिकॉज़ इनका जो एलोकेशन है या इनको जो रेवेन्यू आता है फ्रॉम वोडाफोन आइडिया वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अन ईवननेस है रेगुलैरिटी uh, में सो दैट इज वाई ये जो ग्रोथ के नंबर्स है वो 2000 करोड़ पे काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको 20 परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट जो अलग अलग सिनारी में हमने कंसिडर किए हैं सो इफेक्टिवली आई थिंक 5000 करोड़ से लेके 8500 करोड़ तक का आफ्टर फाइव इयर्स का एक कंजर्वेटिव टू एग्रेसिव वे का एनालिसिस प्रॉफिट का हमने यहाँ पे किया हुआ है उसके ऊपर 10, 15 और 20 का प्राइस टर्निंग रेशियो हम अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड मार्केट कैप जो हो सकता है इंडस इंडस्टावर्स काफ्टर फाइव इस पचास हजार करोड़ से लेकर 1.7 पॉइंट सेवन लाख रुपीज तक तो हो सकता है अलग अलग सिनारे तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे अब इनका जो स्टेक है उसका वैल्यूएशन कितना होगा दैट वुड बी अराउंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज कंजर्वेटिवे से मॉडरेट वे से फोर्टी फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज एंड एग्रेसिव वे से एट्टी वन थाउजेंड करोड़ रुपीज अब सम ऑफ ऑल पार्ट्स एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से हम सबका समेशन अगर कर देते हैं तो उस केस में जो ईवी होगा एंटरप्राइज वैल्यू होगा कंपनी का आफ्टर फाइव इयर्स कंजर्वेटिव वे में होगा 7.85 लाख करोड़ रुपीस मॉडरेट वे में होगा 10.5 10.15 लाख करोड़ रुपीस एंड एग्रेसिव वे से ये होगा uh, 13.90 लाख करोड़ रुपीस बट एंटरप्राइज वैल्यू है तो इसमें से हमें नेट डेट निकालना होगा सो नेट डेट हो सकता है आफ्टर फाइव ईयर कंजर्वेटिव वे से अराउंड एक लाख करोड़ होगा मॉडरेट वे से ये 1.3 लाख करोड़ रुपीज भी हो सकता है अग्रेसिव वे से ये 1.5 लाख करोड़ रुपीज भी हो सकता है तो उसको अगर हम माइनस कर देते हैं वैल्यू में से तो एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर फाइव इयर्स कुड बी अराउंड 6.86 लाख करोड़ रुपीज इन कंजर्वेटिव वे मॉडरेट वे में यह हो सकता है एट लाख करोड़ रुपीज एंड अग्रेसिव वे में यह हो सकता है ट्वेल्व लाख करोड़ रुपीज तो काइंड द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 4.78 या 4.8 लाख करोड़ रुपीज़ तो उसके हिसाब से कंजर्वेटिव वे में सी हो सकता है 7.49 परसेंट मॉडरेट वे में यह हो सकता है 13.11 परसेंट और अग्रेसिव वे में यह हो सकता है 21.02 परसेंट एक चीज़ याद रखनी होगी ये जो सेक्टर है इसमें रेगुलेटरी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं ये एक नीड बन चुका है म इंडस्ट्री या टेलीकॉम के जो सर्विसेस हम यूज करते हैं ये नीड बन चुकी है बहुत सारे लोगों की एंड दैट्स वाई इट कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन दैट इज अ रिस्क दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज कैरिंग सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद